आप दुबई आ रहे हो, आप इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, बांग्लादेश से या श्रीलंका से, आप कहीं से भी आ रहे हो, जहाँ से फ्रेशर आते हैं उनकी कितनी सैलरी रहती है यहाँ? तो हेल्पर लोग की सैलरी भाई 1000 से लेके, काम सीखे रहोगे ना तो यहाँ पे आओगे तो स्टार्टिंग 1400-1500 रुपये। वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कैसे हैं आप सभी लोग? मैं दुआ करता हूँ सभी लोग खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो एक भाई ने मुझे कमेंट किया और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज भी किया था कि जैसे फ्रेशर कोई आ रहा है कोई से भी जॉब में तो उसे कितनी सैलरी मिलती है, तो इसी बात पर आज डिस्कस करेंगे और मैं आप लोग को बताऊंगा क्या काम में आप लोग को कैसी सैलरी मिलती है और कैसे ड्यूटी हवर और अकोमोडेशन जो रूम देती कंपनी और खाना पीना कैसा रहता है क्या रहता है। तो आज की वीडियो में यही बताने वाला हूँ आप लोगों को और वीडियो से बने रहे। आप दुबई आ रहे हो, आप इंडिया से आ रहे हो, पाकिस्तान से आ रहे हो, बांग्लादेश से या श्रीलंका से, आप कहीं से भी आ रहे हो जहाँ से आप मेरी वीडियो ये देख रहे हो, तो आप लोग जब फर्स्ट टाइम यहाँ दुबई आओगे, दुबई में आप 7 इमिरेट्स है, आपको वहाँ से बताएगा मैं आपको दुबई भेज रहा हूँ। तो दुबई यहाँ पर अजमान है, शारजा है, रसल खेमा है, बहुत सारे 7 इमिरेट्स हैं, 7 स्टेट हैं। तो आपको मान के चलिए आप ये दुबई में नहीं है, आपका वीज़ा दुबई का होगा मगर आपको काम करने के लिए अजमान भेज सकते हैं या शारजा भेज सकते हैं या उमल कुइन या रसल खेमा या आलेन, कहीं भी आपको काम करने के लिए भेज सकते हैं। ज़्यादातर तो लोग जो दुबई का नाम लेके आते हैं तो दुबई ही रहते हैं और बहुत कम जैसे यहाँ पे काम नहीं मिला तो कोई एजेंट के जरिए उन लोग बात करते हैं तो उन लोग को अजमान लग जाता है या शारजा लग जाता है, इसी जगह सब काम लग जाता है। तो आप आए यहाँ पर दुबई आ रहे हो, 90 से लेके 70 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए तक, कोई कोई तो 1.5 लाख रुपए भी देता है। आप जब लाख रुपए कोई को दे रहे हो, लाख रुपए से ऊपर दे रहे हो, 90 हज़ार से ऊपर दे रहे हो, आपको कस्ट मतलब कि जो एजेंट होता है इंडिया या जहाँ से भी आप आ रहे हो वहाँ पे एजेंट है, आप लोग को 90 हज़ार से ऊपर बोलेगा, आपको विजिट वीज़ा दे रहा होगा, विजिट वीज़ा दे रहा होगा, तो आप 90 हज़ार से 1 रुपया ऊपर नहीं देना है। आप एजेंट के जरिए आ रहे हैं, आपको जब आना ही है एजेंट के जरिए आना है, 90 हज़ार लाख रुपए दे के आना है, तो आप खुद यहाँ पर आओ ना, 40-50 हज़ार रुपये में आप यहाँ आ जाओगे, अपना खर्चा पानी रूम सब कुछ यहाँ लेके आप जॉब भी ढूंढ सकते हो। जॉब सीज़न में रहता है, यहाँ बहुत सारे ऑफिस हैं, वहाँ जाओ आप, कोई फ्री मिलता है, कहीं पैसे देने पड़ते हैं, जहाँ पैसे देने पड़ते हैं वहाँ आप मत अप्लाई करो, बहुत कम जगह है जो फ्री में लगवाते हैं आप लोग को जो। तो अब बात करते हैं फ्रेशर, मतलब जो फ्रेशर आते हैं उनकी कितनी सैलरी रहती है यहाँ और कितना ड्यूटी टाइम रहता है, खाने का और रूम का क्या मसला रहता है, सब मैं आप लोग को बताता हूँ। आप लोग जब आ रहे हो यहाँ पे, आपका काम लग गया ठीक है, तो आप हेल्पर में जैसे पैकिंग में हो या आपको कुछ नहीं आता है, आप हेल्पर में हो। मैं भी यहाँ पे आया था तो मैं कुछ भी नहीं करता था भाई, मैं भी इंडिया में था, सिलाई करता था और यहाँ आया तो मैं भी हेल्पर ही था। एक हाउसकीपिंग होता है ना, हाउसकीपिंग में काम किया 6 महीना, उसके बाद साथ में मैं हुक्के का काम सीखा और अरबी थोड़ी बहुत सीखा, अभी अरबी माशाल्लाह आती है और कस्टमर से हैंडल करता हूँ अच्छे से। तो आप लोग जब इधर आ रहे हो तो 90 हज़ार से, मैं यही मानता हूँ 90 हज़ार तक आप दे, जब एजेंट को आप इधर आ रहे हो एजेंट को देखें। और सैलरी की बात करें तो हेल्पर लोग की सैलरी भाई 1000 से लेके 1200-1300 रुपये बहुत हो गया ठीक है, और 1500 रुपये मिलती है तो उसमें कहीं कहीं खाना नहीं मिलता है। जैसे आप रेस्टोरेंट में हेल्पर हो तो आपको 1200-1300 रुपये मिलेगा, खाना भी मिलता है, और जैसे आप कोई बिल्डिंग में काम कर रहे हो या क्लीनिंग कोई एक बड़ी कंपनी है वहाँ काम कर रहे हो तो आपको 1200-1300 रुपये दिया जाएगा, 1500 देंगे, ओवर टाइम भी देंगे, तो आपका खाना रहता है, कंपनी रूम देती है, वाईफाई देती है, सब कुछ देती है, ट्रांसपोर्ट आने जाने का जो होता है वो भी देती है। तो यही था, और आप कुछ लोग कुछ काम सीखे रहोगे ना तो यहाँ पे आओगे तो स्टार्टिंग 1400-1500 रुपये स्टार्टिंग में आप लोग कमाओगे। आप 1400-1500 रुपये कन्वर्ट करके देख लेना इंडिया के, बांग्लादेश सब जगह के, इंडिया के, पाकिस्तान के, सब जगह कितना रुपया होता है ठीक है भाई। तो यही सब मामला है। और दुबई में कितने लोग आते हैं जो एजेंट के लोग एजेंट के जरिए फंस भी जाते हैं इधर, तो मैं बोलता हूँ कि तुम आए हो एजेंट के जरिए तो आप भी थोड़ा घूमो टहलो काम देखो, ये नहीं कि आप एजेंट के ऊपर ही पूरा भरोसा रखो, वो लेके आए वो लगाएगा, तो भाई कभी कभी उसके पास काम नहीं रहता है, कभी दूसरा काम रहता है, आपको नहीं अच्छा लगता है। तो आप लोग भी बाहर निकलो, अपना CV बनाओ, 10-15 रुपये में CV बन जाता है, कॉपी आ जाती है 5-7 कॉपी, आप जाओ ढूंढो जो नए नए रेस्टोरेंट हैं, कहीं पर ओपनिंग हो रही है वहाँ पर आप ट्राई करो, तो आपको जॉब लगने की ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहते हैं। तो यही सब रहता है। और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पर लोग की भाई मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर इंडिया में 1200-1300 रुपये या दुबई के अंदर मिलता है आप लोग को, कहीं कहीं तो जो है 900-900 रुपये में काम कर रहे हैं बंदे, क्या करें मजबूरी में 900-900 रुपये में काम कर रहे हैं बंदे। तो और जब आप काम सीख जाओगे, कोई काम में लगे हो, जैसे सीखने वाला कोई काम है, आप काम सीख जाओगे
तो आगे चल के आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा दुबई का, एमिरेट्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको अच्छी जॉब भी मिलेगी और अच्छा कर देंगे सैलरी भी आप लोग को मिलेगा। ड्यूटी टाइमिंग की बात करें तो कहीं कहीं जो बड़े होटल रहते हैं या बड़ी कोई कंपनी रहती है तो दुबई के रूल के हिसाब से 8 से लेकर 10 घंटे ड्यूटी, ज़्यादातर 10 घंटे रहती है। और कहीं आप होटल में हो, इंडियन पाकिस्तान के होटल में हो, तो आप लोग को 12 घंटा भी ड्यूटी करनी पड़ती है, ठीक है। हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है, कहीं कहीं आपको छुट्टी भी नहीं मिलती है, ठीक है। और यही सब था, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।